लोग शुरू करते हैं आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 और पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 देखा है। ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक का पॉइंट देख रहे हैं, और इस चैप्टर का नाम है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। हम लोग सभी एनसीईआरटी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। जैसे में सीटेट है, 6 से 8 में आपका पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ देता है, और किसी भी आरआरबी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछ देता है। तो आइए आज हम लोग आज का पहला पॉइंट शुरू करते हैं। इससे पहले 10 पॉइंट देख लिए हैं, आज हम लोग 11 पॉइंट से देखते हैं। सम बैक्टेरिया एंड ब्लू एल्गी ग्रीन एल्गी फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू द सॉइल थस इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कुछ जीवाणु तथा नील हरित शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोब्स प्ले द चीफ रोल इन मेकिंग मैन्योर्स विच आर यूजफुल फॉर नरिशमेंट ऑफ सॉइल। खाद बनाने में सूक्ष्म जीव मुख्य भूमिका निभाते हैं जो मिट्टी के पोषण के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 13। पैथोजेंस आर डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू कैरियर्स। रोगजनक रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर में सांस लेने वाली हवा, हमारे द्वारा पीने वाली पानी और संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क के माध्यम से या वाहक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू एयर वाटर फूड और फिजिकल कंटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। माइक्रोबियल रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं, संचारी रोग कहलाते हैं, जिसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 15 पॉइंट है। देयर आर सम एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट ट्रांसफर हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, एग्जाम्पल फ्लाइज, मॉस्किटो इटीसी, दिस आर कॉल्ड कैरीज। कुछ जानवर और कीड़े ऐसे हैं जो हानिकारक रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करते हैं, जैसे मक्खियाँ, मच्छरों आदि, इन्हें वाहक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंथ्रेक्स इज ए हार्मफुल ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टेरियम। एंथ्रेक्स एक हानिकारक मानव पशु रोग है जो एक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स स्पॉइल द फूड items by producing toxic substance on them. This makes the food poisonous, causing serious sickness and even death. कुछ सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों पर विषाक्त पदार्थ उत्पन्न कर उन्हें खराब कर देते हैं। ये भोजन को जहरीला बना देते हैं जिससे गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 18। To save the food from the attack of harmful microbes, some chemical called preservatives are used. Common preservatives used are common salt, sugar, edible oils and vinegars, sodium benzoate, sodium metabisulfite. भोजन को हानिकारी रोगाणुओं के हमले से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव नामक कुछ रसायनों का उपयोग किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले सामान्य परीक्षक
समान नमक, चीनी, खाद्य तेल, सिरका, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बिसल्फाइट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिल्क इज ए पास्टराइज फॉर किलिंग हार्मफुल माइक्रोब्स। इट इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सी फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. This prevents the growth of harmful microbes. This process was given by the Louis Pasteur. It is called pasteurization. हानिकारक रोगाणुओं को मारने के लिए दूध को पाश्चरीकृत किया जाता है। इसे 15 से 30 सेकेंड के लिए लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा और संग्रहित किया जाता है। यह हानिकारक रोगाणुओं के विकास को रोकता है। यह प्रक्रिया लुईस पाश्चर ने दी थी, इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 20, नाइट्रोजन साइकिल। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड। दिस यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर देन यूज्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल्स विद द हेल्प ऑफ देयर रूट। दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। ऑन द अदर हैंड दे आर सम बैक्टीरिया। That converts some part of nitrogenous compound into the nitrogen gas again and send them back into the atmosphere. Nitrogen चक्र, मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल वातावरण से नाइट्रोजन गैस को ठीक करते हैं और इस नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। इन उपयोगी नाइट्रोजनी यौगिक के का उपयोग पौधे द्वारा अपनी जड़ों की सहायता से मिट्टी से किया जाता है। वे प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बैक्टीरिया ऐसा भी है जो नाइट्रोजन यौगिक के कुछ हिस्सों को फिर से नाइट्रोजनस गैस में बदल देते हैं और उन्हें वापस वायुमंडल में भेज देते हैं। ये देखिए आपका नाइट्रोजनस चक्र है। जैसे में ये एटमॉस्फेयर है और ये जो मूवमेंट जो चक्र शुरू हो रहा है बैक्टीरियम से, यहाँ से आपका एटमॉस्फेयर है नाइट्रोजन में, लाइटिंग फिक्सिंग नाइट्रोजनस ये हो गया, ये आपका फिगर में दिखाया हुआ है। ये नाइट्रोजन चक्र जो फिगर में दिखाया हुआ है देख लीजिए, ये यहाँ से लाइटिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू एल्गी, एल्ग्रे फिक्स एटमॉस्फेयर, फिर बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन्स, और इस तरह से ये चक्र कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन सॉइल्स इस सॉइल में आता है और फिर आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड डेथ, मरने की वजह से जो ये अपटेक होता है नाइट्रोजन कंपाउंड अपटेक बाई द प्लांट, ये प्लांट के थ्रू जाता है, फिर एनिमल ईट करता है इसो नाइट्रोजन, अब फिर डेथ करता है जो, फिर वापस कंपाउंड नाइट्रोजन से, और यही कंपाउंड नाइट्रोजन बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन टू गैसियस नाइट्रोजन, और ये गैसियस नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये फिर एटमोस्फेयर में वापस चला जाता है। आप लोग इस पिक्चर को एक बार देख कर फिर से समझ लीजिएगा, ये आपको दिखाया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 21, ड्यू टू द नाइट्रोजन साइकिल द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। इस नाइट्रोजनस चक्र के कारण वातावरण में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कमोबेश स्थिर रहता है। तो आज के लिए इतना ही, अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, आप सबको थैंक यू।